दोस्तों, मैं सागर चैनल में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी भी आप दबाइएगा ताकि आपको जो है ये गणित की तैयारी हो सके आपका और एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। देखिए चैप्टर जो है ये प्रश्नावली पढ़ रहे हैं 3.2 का, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ये वाला चैप्टर है, ये देखिए प्रश्न 2 है। निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, कह रहा है परिकलित करना है। पहला दिया है, फिर दूसरा दिया है, ठीक है, फिर तीसरा दिया है। तो परिकलित करना है मतलब इसको हल करना है। तो कैसे हल करेंगे, बहुत ही आसान है। चलते हैं पहले को हल करते हैं। यहाँ दिया है a माइनस बी, बी ए है, और दूसरे में जो दिया है a बी, बी ए है, ठीक है। तो यहाँ देखिए बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ईजिली जो हल हो जाएगा। ए ए में जुड़ेगा और बी बी में जुड़ेगा। अब यहाँ माइनस बी प्लस बी में जुड़ा, ये वाले देखिए, ये वाला इसमें जुड़ा और ये वाला इसमें जुड़ेगा, फिर ये वाला इसमें जुड़ेगा और ये वाला इसमें जुड़ेगा, ठीक। अब यहाँ से कि ए मिल के टू ए हो गया, ये यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ टू बी, यहाँ टू ए हो गया, ठीक है। तो ऐसे में जो है ऐसे प्रश्नों को इसी प्रकार से जो है हल करेंगे और यहाँ से जो है यही जो है तरीका है हल करने का। तो यहाँ से जो हो जाएगा ये सीधा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 में भी वही कहानी और जो है वही इसकी दास्ता है, ठीक है। देख लीजिए आप, साफ दिख रहा है। तो प्रश्न नंबर 2 को भी हल करते हैं। यहाँ इसको डायरेक्टली हल करते हैं। देखिए ये वाला इसमें जुड़ेगा जैसे उसमें जुड़े थे, और ये वाला इसमें जुड़ेगा, ये वाला इसमें जुड़ेगा, ये वाला इसमें जुड़ेगा, डायरेक्टली जुड़ रहे हैं। क्या दोबारा लिखा, टू ए भी हो गया, ठीक है, और यहाँ इसमें जुड़ेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी सी हो गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी हो गया, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए भी हो गया, ठीक। अब देखिए किसका सूत्र हो गया, यहाँ आप पढ़े होंगे तो आपको याद आ रहा होगा और बहुत आसान लग रहा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये किसका है, ए माइनस सी का होल स्क्वायर। ये किसका है, बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये किसका है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यह यही जो है इसका यह हो गया हल, ठीक। अब चलते हैं अगले प्रश्न में, तीसरा को। तो तीसरा में भी जो वही कहानी है, वही दास्ता है, और उसको भी जो है इसी प्रकार से हल करेंगे। तो तीसरे को भी इसी प्रकार से हल करेंगे, बहुत ही आसान है, कोई टफ नहीं है। चलते हैं डायरेक्ट इसको भी हल करते हैं। पहले वाले को पहले में जोड़ेंगे, दूसरे वाले को दूसरे में, तीसरे वाले को तीसरे में जोड़ेंगे। माइनस वन प्लस बारह, ठीक है, पहला इसमें जोड़ रहा है, चार या चार धन सात, ठीक, और माइनस छः धन छः हो गया, आठ धन आठ, पाँच धन जीरो, सोलह धन पाँच हो गया, दो धन तीन हो गया, आठ धन दो हो गया, और पाँच धन चार हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हो गया, अब बारह में से एक जत कितना हो जाएगा, यहाँ ये ग्यारह हो जाएगा, सात चार ग्यारह हो जाएगा, छः और छः में से यहाँ का हो जाएगा, ये सीधा जीरो हो जाएगा कट के, यहाँ आठ आठ सोलह, ठीक है, और पाँच हो जाएगा, सोलह चार बीस इक्कीस हो जाएगा यहाँ से, ठीक। फिर यहाँ तीन दो पाँच, आठ दो दस हो जाएगा, पाँच चार नौ हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है ऐसे प्रश्न जो है बहुत ही आसान तरीके से हल होते हैं और बहुत ही इजी होता है। चौथा देखिए, चौथा भी वही सेम वही प्रकार है, आइडिया वही है, उसमें भी वही काम करना है। इसको भी हल करते हैं डायरेक्टली। इसको देखिए, पहले वाले को पहले में जोड़ेंगे, दूसरे वाले को दूसरे में जोड़ेंगे, सब फिर ठीक है उसी प्रकार करना है। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, देखिए जोड़ दिए इसमें धन करके, फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर इसको इसमें जोड़ेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखिए किसका ये वैल्यू होता है, 10 में पढ़ के आए होंगे तो फिर आपको याद आ गया होगा, नहीं पढ़े होंगे तो फिर सोच रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये यही आंसर हो गया, ठीक।
अब हम चलते हैं अगले चैप्टर, ये जो अगला जो है प्रश्न क्या है, प्रश्न तीसरा में देखिए। प्रश्न तीसरा आ गया यहाँ से, ये कह रहा निर्देशित जो है निर्देशित गुणनफल परिकलित करिए, गुणा करना है। अभी तो इस जो है हम जोड़ रहे थे, बीच में प्लस था दोनों के, ठीक है। अब यह क्या है, दोनों का क्या है, गुणनफल बताना है, गुणा कैसे होता है यह जानना अति आवश्यक है, ठीक है। और गुणा ही थोड़ा सा उससे एक स्टेप टफ नज़र आ रहा है, मगर कुछ भी नहीं है, हम आपके साथ हैं तो फिर कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको हम बताएंगे। देखिए तीसरा प्रश्न है, कैसे हल करेंगे इसको, और यहाँ दिया है जो है ये, तो ऐसे प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। यहाँ देखिए जो है गुणा के टर्म है, या गुणा छुपा हुआ बीच में, तो ऐसे प्रश्नों को जो हम गुणा कैसे करेंगे, ए माइनस बी, बी ए दिया, लिख लेते हैं पहले, ए बी माइनस बी ए, ठीक। देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। ए का गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर ए का गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर बी का गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर बी का गुणा गुणा इसमें करेंगे, ठीक है, ए का गुणा इसमें करेंगे। तो चलिए करते हैं, ए का गुणा ए में, ए गुणे ए हो गया, इसका गुणा इसमें होगा तो फिर इसका गुणा इसमें होगा, धन धन करते हैं, जब इसका गुणा इसमें करते हैं तो धन लगाते हैं, बी गुणे बी हो गया, ठीक। अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, धन ए गुणे बी हो गया, या बी गुणे ए, ठीक है, ए गुणे बी या बी गुणे ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, माइनस बी गुणे ए, देखिए इसका गुणा इसमें कर रहे हैं तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, धन ए बी, फिर इसका गुणा इसमें, माइनस बी गुणे माइनस बी, देखिए, ठीक है, माइनस बी गुणे बी, और फिर क्या होगा, एक धन ए गुणे ए हो जाएगा, समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो एक दो तीन सवाल, दो सवाल जब लगा लेंगे आप, तीन सवाल, तो आपको समझ में ही आ जाएगा खूब बढ़िया से क्या हो रहा है। तो यहाँ से ए स्क्वायर हो जाएगा, ए का गुणा होगा ए स्क्वायर में, ए में ए का गुणा होगा तो ए स्क्वायर, प्लस बी का भी बी स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस बी ए प्लस ए बी हो जाएगा, और यहाँ ये माइनस ए बी प्लस ए बी, और यहाँ माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस बी स्क्वायर धन ए स्क्वायर। तो देखिए जो है माइनस का जो है फार्मूला होता है, जितना भी होता है सूत्र वगैरह बढ़िया से याद होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, और यहाँ ये भी कट जाएगा जीरो, और यहाँ ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है यही आंसर हो गया, ठीक। अब चलते हैं अगले प्रश्न में, अगला दूसरा देखिए कैसे हल करेंगे हम। यहाँ दूसरा दिया है, उसको लिख लेते हैं, एक दो तीन है, और यहाँ है दो तीन चार है, ठीक है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को गुणा कैसे करेंगे, हम एक में इन सभी संख्याओं से गुणा करेंगे, ठीक है, यहाँ तीन जगह है, तीन जगह, ठीक है, फिर दो में फिर इन्हीं तीनों से करेंगे, फिर तीन में, तीन में करेंगे। तो करते हैं एक में एक गुणे दो, ठीक है, फिर यहाँ एक गुणे तीन, देखिए फिर तीन में, तीन से गुणा एक में हो रहा है, फिर चार से भी होगा एक गुणे चार, फिर यहाँ भी दो गुणे दो, फिर दो गुणे तीन, फिर दो गुणे चार हो रहा है, ठीक है, फिर यहाँ भी दो गुणे तीन, फिर तीन गुणे तीन, और तीन गुणे चार हो गया, ठीक है। अब समझ गए होंगे, हमने एक में इन संख्या तीनों से गुणा किया, फिर दो में इन तीनों से गुणा किया, फिर तीन में इन तीनों से गुणा किया, यहाँ आ गया दो तीन चार, चार छ आठ, छ नौ बारह आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये हल हो गया, ठीक। अब इसी प्रकार से जो है यहाँ तीन अंक वाले हैं, ठीक है, तीन अंकों वालों को हम हल करते हैं, सारे प्रश्न को हल करेंगे, कह देंगे आपको हल करने के लिए, तो आप भी सोचेंगे कि किस लिए पढ़ा रहे हैं जब हम ही को हल करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। और जबकि आप भी हल करते हैं तो आपको भी आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ ये तीसरा, ठीक है, ये तीसरा है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा प्रश्न यहाँ यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इसमें दो है, इसमें तीन है, ठीक है, एक दो माइनस दो तीन है, और यहाँ जो है एक दो, दो तीन, तीन एक है, ठीक है। तो यहाँ कैसे हल करेंगे, देखिए एक का गुणा इसमें करेंगे, फिर दो का गुणा इसमें करेंगे, फिर एक का गुणा जो है, एक का गुणा इसमें किए, दो का गुणा इसमें किए,
फिर एक का गुणा इसमें जो है यहाँ एक का कर लिए, ठीक है। अब यहाँ से करने के बाद जो है एक का गुणा तो इसमें हम पहले करेंगे यहाँ से एक में, फिर दो से इसमें करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से करने के बाद एक का गुणा दो में, ठीक, और यहाँ से जो है माइनस दो का गुणा तीन में, फिर एक का गुणा तीन में और माइनस दो का गुणा एक में करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से करेंगे इसका इसमें, फिर इसका इसमें। चलिए हम करके दिखा रहे हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। एक का गुणा एक में हुआ धन रहेगा, ठीक है। फिर इसका गुणा इसमें होगा माइनस दो गुणे दो हो गया, फिर एक का गुणा दो में हुआ, ठीक, धन माइनस दो का गुणा तीन में हुआ, माइनस दो का गुणा तीन में हुआ, फिर एक का गुणा तीन में हुआ, धन माइनस दो का गुणा एक में हुआ। ध्यान सब समझिएगा, इसका गुणा इसमें किए, इसका गुणा इसमें किए, इसका गुणा इसमें किए, एक गुणे एक माइनस दो गुणे दो, ठीक है, प्लस करके, फिर एक का गुणा इसमें जो है ये तो हो गया इसमें, फिर यहाँ से जो है एक का गुणा इसमें किए गुणे दो, फिर जो है एक गुणे दो हो गया, फिर माइनस दो गुणे तीन हो गया धन करके, फिर यहाँ एक का गुणा इसमें तीन और माइनस दो धन जो करके माइनस दो गुणे एक, ये हो गया गुणा हो गया इसका पहला, ठीक है। अब दो का गुणा करेंगे, यहाँ जो है जब दो का गुणा करेंगे तो दो गुणे एक, देखिए दो गुणे एक तो तीन गुणे धन तीन गुणे दो हो जाएगा, फिर दो का गुणा दो गुणे दो धन तीन गुणे तीन हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ दो का गुणा दो गुणे तीन, दो गुणे तीन, फिर धन धन तीन गुणे एक हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखिए बहुत ही आसान और जो है बहुत ही ईजी और सरल हो गया, ठीक। अब इसको जोड़ लीजिए, जोड़ घटा लीजिए, एक माइनस चार और दो धन छः हो गया, यहाँ दो माइनस छः हो जाएगा, देखिए यहाँ चार धन तीन तिरके नौ, यहाँ तीन माइनस दो हो जाएगा, यहाँ छः धन तीन हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ घटा दीजिए, माइनस तीन छः दो आठ, माइनस चार नौ चार तेरह, तीन में से दो जाए एक, छः तीन नौ, जो भी है मतलब यही जो है आंसर आ जाएगा। इस प्रकार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। नमस्कार दोस्तों।